हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्की और सबसे पहले वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, तो मलेशिया में राजू भाई अपने उत्तराखंड से हैं, इनसे बात करते हैं। इसके रूम पे आया हूँ मैं आज, तो इससे पूछते हैं मलेशिया में कैसे आए थे, यहाँ पर कितनी सैलरी है। हाँ राजू भाई, तो बताओ मलेशिया में कितने दिन हो गए आपके आए हुए? मुझे भाई साल भर हो गया है। एक साल हो गया। क्या काम करते हो आप? यही शॉपिंग काम होती है, मेडिंग में काम कर रहे हैं। मेडिंग में काम क्या है? काम यही पैकिंग वैकिंग का है। पैकिंग में मतलब इंडिया में क्या काम करते थे? इंडिया में तो मैं ऐसे नॉर्मली जॉब करता था दिल्ली में। अच्छा। मेरा कंपनी का नाम था मैक्सा एंजिल प्राइवेटेड। और मलेशिया में जिस टाइम आए थे कैसे आए थे, एजेंट के थ्रू आए थे या फिर? भाई मैंने मलेशिया में आया था एजेंट के थ्रू। कितना पैसा लगा था? मेरा 70,000 लग गया था। 70,000 लगा था। उससे पहले कोई और कंट्री में गए हो? मैं उससे पहले सऊदी में था 6 साल, 2012 में गया, 2017 में आया। अच्छा अच्छा, तो सऊदी अरब के बारे में बताया यार उधर का, क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियो मलेशिया के बारे में बनाता हूँ, तो सऊदी अरब के बारे में बताया। तो सऊदी अरब के बारे में तो ठीक ठाक है, जैसे आपके कंपनी में रहना, खाना पीना है तो सैलरी आपके से बचती है। इसके बाद मान लो आप यहाँ तो हैं, हम लोग मलेशिया में जो अनलीगल है, अनलीगल के मतलब आप समझ ही रहे हैं, सारे खर्चा अपना ही है, ठीक नहीं। उसके बाद कंपनी मलेशिया में अगर यहाँ भी अगर लगा देगी कंपनी तो सही है, नहीं तो अनलीगल है, साल भर 6 महीने रहेगा फिर घर चला जाएगा। सऊदी अरब में कानून कैसे है उधर की? कानून सऊदी अरब कानून सही है, सख्त है, बहुत सख्त है। कोई भी गलती आप करोगे तुरंत आपको फिंगर आ जाएगा। और सऊदी अरब के अंदर जो जिस बॉस के साथ तुम काम करते थे, वहाँ खाना पीना रूम राम कैसे है? रूम राम तो ठीक ठाक था, इसी तरह था जैसे हम लोग कैंप बोलते हैं ना वहाँ। हाँ, कैंप बोलते हैं, कैंप है तो उसमें एसी उसी सब में लगा था। जैसे एक कमरा है, एक कमरा में चार बेड होगा, चार बेड में चार आदमी होगा। उधर ज़्यादा गर्मी है? गर्मी वहाँ कम से कम अरे 40 से 45 पॉइंट होता है, अगर 50 से 55 हो जाएगा तो काम बंद हो जाएगा, बस यही गर्मी है। बाकी खाने पीने के लिए तो ये समझो कि ठीक ठाक है, ठीक नहीं। सऊदी अरब में कितनी सैलरी मिलती थी तुझे? भाई मैं शुरू में गया था तो मेरा बेसिक सैलरी 950 था रियाल। 950 रियाल मिलता हाँ, उसका सऊदी अरब का हमारा। उसके बाद हर साल में मेरा 10% बढ़ता था, उसके बाद ओवर टाइम करके मेरे 950 बेसिक सैलरी 8 घंटा का था, ओवर टाइम करके मेरे को पहले फर्स्ट टाइम मैच गया था तो 1700-1800 मेरे आता था। फिर दूसरे साल मेरे 2022 आने लगा, धीरे धीरे इसी तरह करते करते मेरा कम से कम 3500-3600 सैलरी आने लगा ओवर टाइम कर कर। इंडिया कितना बन जाता था इंडिया का? जिस समय मैं गया था 1300-1300 रुपया चल रहा था, अब इस समय करेंसी शायद 20 हो गया वहाँ। अभी तो ज़्यादा हो गया, अभी ज़्यादा हो गया। इंडिया से कैसे गए थे सऊदी अरब? इंडिया से मैंने इंटरव्यू मारा था ना अपना वहाँ मछली शहर। किधर? मुंबई में गए? नहीं नहीं नहीं, मछली शहर यूपी। यूपी में? यूपी में। तो अब उत्तराखंड से हो ना? मेरा घर दो जगह, उत्तराखंड भी और यूपी में भी। जरा सा मैं यूपी में नहीं रहता हूँ, उत्तराखंड में रहता हूँ। अपना खुद मैं मकान जमीन में ले रखा हूँ, थोड़ा बहुत मकान बना रखा हूँ, बस रहते हैं। तो इधर मलेशिया में तूने वीज़ा अप्लाई नहीं किया? अभी तो फिलहाल कोरोना वायरस की वजह से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, बंद है। जब होगा तो मैं अप्लाई करूँगा, कोशिश करूँगा कि वीज़ा लग जाएगा तो अच्छी है कंडीशन। लेकिन अभी वीज़े चालू हो गए हैं, लगने लगे हैं। जो इलीगल बंदे रह रहे हैं इधर मलेशिया में, उनके वीज़े लग रहे हैं। ठीक है, जब लग रहा है तो मैं लगवाने की कोशिश करूँगा। करेगा कोशिश, मेरे पास एजेंट है ना, उससे बात करेगा मैं। ठीक है, लगवाएगा। ओके बॉस, मैं आपसे ही कोशिश करेगा। चल कोशिश करेंगे ना, मैं लगवाएगा, ठीक है ना। ओके राजू भाई। ओके भाई। तो दोस्तों ये इधर रूम है, देखो। अंकल कैसा है? ठीक है भाई। ये मलेशिया ही लाइव हमें दिखा देता हूँ। नहीं, बढ़िया है भाई। क्या कर रहे हैं? ये है भाई मलेशिया की लाइफ, इधर देख लो।
यो भाई इधर रोटी बना रहा भाई, देखो मलेशिया में खाना खुद बना रहे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, मेरा हौसला बढ़ाए ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियो लेता रहूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।